नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। बात आज डिंपल भाभी की करने वाले हैं हम। दरअसल उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जितने उत्साहित राजनीतिक पार्टियां हैं, उससे कई ज्यादा ये उत्साह उत्तर प्रदेश की जनता में देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की असली वजह है इस सीट से चुनाव लड़ने वाली सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव। जी हाँ, ये वही डिंपल भाभी हैं जिनके खिलाफ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि अब बीजेपी को अपना उम्मीदवार भी मिल गया है, लेकिन मैनपुरी में डिंपल की फैन फॉलोइंग किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। डिंपल यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद भी बहुत बड़ी संपत्ति की मालकिन है डिंपल यादव। इसके साथ ही डिंपल गहनों की भी बेहद शौकीन है। डिंपल की कुल संपत्ति कितनी है और कितनी रकम के गहनों की मालकिन है मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू, इस रिपोर्ट में जानिए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन इस दौरान यादव परिवार की बड़ी बहू ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी ने नामांकन के दौरान जब अपनी संपत्ति का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इस दौरान अपने हलफनामे में सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के आधार पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की चल अचल संपत्ति 2009 में करीब 2 करोड़ थी। वहीं 2012 में डिंपल यादव की चल अचल संपत्ति में करीब 7 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद उनकी चल अचल संपत्ति बढ़कर 9.03 करोड़ पहुँच गयी। इसके बाद सपा सरकार के शासनकाल में डिंपल यादव की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। बता दें कि इस ब्यौरे के अनुसार डिंपल भाभी के पास कारें नहीं हैं। इस दौरान डिंपल ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें गहनों का बहुत शौक है। डिंपल ने ये भी जानकारी दी कि उनके पास लगभग 59 लाख से ज्यादा के गहने हैं। इतना ही नहीं, डिंपल यादव पति अखिलेश यादव की संपत्ति में भी मालकिन है। तो डिंपल यादव की संपत्ति का खुलासा हो गया है। और इस दौरान खास बात यह है कि डिंपल की संपत्ति में सिर्फ सपा के कार्यकाल में ही नहीं, बल्कि योगी के शासनकाल में भी बेहद इजाफा देखने को मिला है। साल 2019 में डिंपल यादव की संपत्ति बढ़कर करीब 37.78 करोड़ की हो गई। बता दें कि डिंपल यादव ने पहली बार साल 2009 में फिरोजाबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वो इस उपचुनाव में हार गई थी। अब डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी उपचुनाव में सपा की ओर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि करोड़ों की संपत्ति पर राज करने वाली डिंपल क्या मैनपुरी की जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना पाएंगी। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।